हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी न्यू ईयर। आज देखते हैं एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम के लिए अकाउंट कैसे ओपन करना है। एनपीएस डिटेल जानकारी के लिए आप एनपीएस का वेबसाइट पे जा सकते हैं, nsdl.com पे जा सकते हैं, वहाँ एनपीएस की पूरी जानकारी है। और इसके लिए डिटेल में और एक मैं वीडियो बनाऊँगा। सो अकाउंट ओपन करने के लिए आपको enps.nsdl.com वेबसाइट पे जाना है। इस पेज पे आने के बाद आपको यहाँ दो स्कीम दिखेगी, नेशनल पेंशन सिस्टम और अटल पेंशन सिस्टम। आपको नेशनल पेंशन सिस्टम पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ ऑनलाइन ऑप्शन सिलेक्ट होगा और यहाँ दो कंपनीज है, एक NSDL है, एक कार्बी है। तो आपको किस कंपनी के अंडर आपका एनपीएस अकाउंट ओपन करना है। मैंने तो NSDL सिलेक्ट किया है, ये गवर्नमेंट का ट्रस्टेड साइट है। कार्वे भी आई थिंक गवर्नमेंट का है, बट मुझे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। और अकाउंट मेंटेनेंस दोनों कंपनीज के अलग अलग चार्जेस है, वो देख के आपको सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप NSDL पे क्लिक करो, नेक्स्ट पेज आपको ये आएगा। यहाँ आपके न्यू रजिस्ट्रेशन डिटेल्स फिल करनी है और यह टायर वन ओनली, ये इंडिविजुअल के लिए होता है। टायर टू टायर वन दोनों भी इंडिविजुअल के लिए होता है। दोनों में डिफरेंस ये है, टीयर वन में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो वो रिटायरमेंट के बाद ही आप विड्रॉ करोगे, बट टीयर टू में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो कभी भी आप उसको अमाउंट विड्रॉ कर सकते हो। यह आपको पैन नंबर डालना है और जो बैंक डिटेल आपको, बैंक नेम आपको यहाँ मेंशन करना है और कंटिन्यू करना है। एक पॉपअप आएगा, उसे प्रोसीड करना है। और इस 7 स्टेप में आपका अकाउंट क्रिएट होगा। और यहाँ आपको पर्सनल डिटेल देनी है, कॉन्टैक्ट डिटेल, बैंक अकाउंट, नॉमिनेशन, डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, फ़ोटो और आपका सिग्नेचर अपलोड करना है। और पेमेंट आपका मिनिमम पेमेंट आपके जो अकाउंट में ही क्रेडिट होगा उसे आपको फर्स्ट टाइम पे करना है, तभी आपको एक आपका परमानेंट अकाउंट नंबर जो प्रान होता है वो मिलेगा, एनपीएस अकाउंट नंबर। स्टार है वो मैंडेटरी डिटेल्स आपको फिल करनी है और करेक्ट डिटेल फिल करो ताकि आपका अकाउंट वेरीफाई हो और जल्द से जल्द एक्टिव हो। मोबाइल नंबर जो दोगे उसी पे आपका OTP आएगा, जो आधार कार्ड के साथ लिंक होगा तो काफ़ी अच्छा है। तो आप ई वेरिफिकेशन कर सकते हो, आपको फिजिकल डॉक्यूमेंट सेंड करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ईमेल एड्रेस जो दोगे वो आपके कम्युनिकेशन के लिए काम आएगा। NSDL NPS के जो भी मेल्स आएंगे इसी ID पे आएंगे, तो ध्यान से और सही डिटेल्स फिल करो। एक कैप्चा फिल करके जनरेट एक्नॉलेजमेंट नंबर पे आपको क्लिक करना और इस तरह से आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर जनरेट हो जाएगा। इसे ओके कर सो नेक्स्ट स्टेज पे आपको बैंक डिटेल फिल करनी है। डिटेल्स फिल करके सेव और प्रोसीड पे क्लिक करना है। नेक्स्ट स्टेप में नॉमिनेशन डिटेल फिल करनी है। सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। यह स्कीम प्रेफरेंस डिटेल है, यहाँ ऑटो और एक्टिव है। ऑटो करोगे तो जो यहाँ पे आप फंड मैनेजर सिलेक्ट करोगे वो फंड मैनेजर खुद आपका अकाउंट हैंडल करेगा, और एक्टिव पे क्लिक करोगे तो आपका अकाउंट आप ही मैनेज करोगे। NPS में इतने सारे फंड मैनेजर हैं, मैंने HDFC सिलेक्ट किया है, आपका जो सही लगे वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। प्रेफरेंस डिटेल में 4 डिस्ट्रीब्यूटिंग टाइप है। यहाँ ई मतलब इक्विटी होता है, सी मतलब कॉरपोरेट बॉन्ड होता है, जी मतलब गवर्नमेंट बॉन्ड होता है, सॉरी सी मतलब कॉरपोरेट होता है, जी मतलब गवर्नमेंट बॉन्ड, और ए मतलब अल्टर। सो अगर आप एक्टिव करते हो सिलेक्ट, तो यहाँ आप डिसाइड कर सकते हो कौन से इसमें कितना परसेंटेज देना है। नेक्स्ट पेज पे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, पैन कार्ड और कैंसिल चेक। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपको फोटो अपलोड करना है और आपका सिग्नेचर स्कैन करके अपलोड करना है। और लास्ट स्टेप है पेमेंट्स, आपको यहाँ पेमेंट करना है। मिनिमम साल का आप 1000 रुपीज कर सकते हो, मैंने यहाँ 500 किया है। अभी नेक्स्ट मंथ में वापस मैं 500 तो करूँगा ही। आप पेमेंट करने के बाद ये प्रान नंबर जनरेट होगा, प्रान मीन्स परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।